नमस्कार दोस्तों, मैं निहार देवनाथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं, किस प्रकार हम अपनी लाइन्स इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सटीक स्थान पर कैसे उसे ड्राइंग करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर दिए गए लिंक से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो है हम लोग का। आज हम लोग जानेंगे कि पर्सपेक्टिव्स कैसे काम करता है। पर्सपेक्टिव्स असल में क्या है? पर्सपेक्टिव्स एक हम लोग का दृष्टिकोण है जो किसी भी चीज़ को सामने आते ही वो बड़ा दिखने लगता है और जाने से वो चीज़ें हम लोगों को छोटी नज़र आती हैं। यही है पर्सपेक्टिव्स। तो कैसे काम करता है, ठीक है, उसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एक स्क्वायर ड्राइंग करते हैं, एक स्क्वायर है, इसे अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो ये दिखेगा कि ये हिस्सा सामने है और ये हिस्सा पीछे है, है ना? इससे आपको पता चल रहा है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक घर ड्राइंग करते हैं, ठीक है, समझने के लिए तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि ये जो घर है हम लोग इसके सामने खड़े हैं, है ना? ये इधर झुका हुआ है, ठीक है, ये इतना ये दूर है इसीलिए ये छोटा होता जा रहा है। इसी प्रकार हम लोगों का जो दृष्टि है वो जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से मान लीजिए एक पॉइंट शुरू हो जाता है, या फिर मान लीजिए एक आप चौराहे पर खड़े हैं, आपको दो गली नज़र आ रहा है, ठीक है, दो जगह आपकी नज़रें बहुत दूर तक जा रही हैं, इसलिए उसको आप टू पॉइंट पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। जब आप कोई फील्ड में हो, तो क्या होता है कि जो वर्टिकल लाइन होता है जहाँ पर आपकी नज़रें समाप्त होती है, मान लीजिए यहाँ पर ये, इसको हम लोग एक 3D स्पेस देते हैं, जैसे ये घर है तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एक रास्ता है, ये जो रास्ता है ये ऐसा दिख रहा है आपको, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर सीधा गया है, यहाँ पर जाके ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जाके ये ख़त्म हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ है, एक ट्री है, ठीक है, ये मान लीजिए ये 20 फीट का हाइट है, इसका हाइट 20 फीट है और इसमें यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं जो 20 फीट के हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 20 फीट का होता है ये वाला, ठीक है, ये बहुत दूर जाता है ना, मान लीजिए ये भी 20 फीट का है, यहाँ पर भी एक टू देते हैं, तो अभी क्या दिख रहा है आपको? ये जो सारे पेड़ हैं ये लगभग सेम हाइट के लग रहे हैं अभी, है ना? ये जो सारे पेड़ हैं ये सभी पेड़ सेम हाइट के लग रहे हैं, यानी कि इसका अगर मान लीजिए 20 फीट हाइट है तो इसका भी 20 फीट है, इसका भी 20 फीट है, इसका भी, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन सभी लगभग समान है, लेकिन क्योंकि ये बहुत दूर तक है इसीलिए ये धीरे धीरे ये छोटी नज़र आ रही है हम लोगों को, है ना? अगर तो क्या होगा कि अगर हम लोगों को बोला जाए कि यहाँ पर एक 10 फीट का एक तो पेड़ बनाओ तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो लाइन बना है, यहाँ पर एक तो लाइन बना है ऐसे, ठीक है, एक लाइन बना है ऐसे, और तो हम लोग यहाँ पर इसका मिडिल देखेंगे, है ना? समझने के लिए जस्ट हम लोग समझते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 20 फीट का ये पेड़ है, ये भी 20 फीट का होगा, ये मान लीजिए इसका जो लाइन बन रहा है अभी, ये अगर आप अच्छी तरीके से देखें, ठीक है, ये ऐसा लाइन बन रहा है ना, ये आपको लाइन अभी अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। अगर हमें बोला जाए कि यहाँ पर ये पेड़ 20 फीट का है, हमको यहाँ पर इतना दूर, मान लीजिए यहाँ से ये 100 मीटर दूर है, या फिर यहाँ पर इस जगह हमको एक 10 फीट का एक पेड़ बनाना है, एक अलग ट्री बनाना है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे? 10 फीट अगर होता है तो यहाँ पर ये हाफ साइज में बनेगा, ये बनेगा ऐसे ये बनेगा, है ना? तब ये लगेगा कि ये 10 फीट का है। अगर हमें बोला जाए कि यहाँ पर एक 15 फीट का पेड़ चाहिए हमको,
तो हम लोग ऐसे करेंगे, इतना बड़ा बना देंगे इसको, ऐसा बना देंगे। अच्छा, एक एवरेज लुकिंग इंसान कितना हाइट रहता है उसका? उसका रहता है 5 फीट, 5.5 फीट से 6 फीट। ठीक है, अगर बोला जाए कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा होना चाहिए, यहाँ पर एक आदमी लगा, आदमी ड्राइंग करेंगे हम लोग, तो वो कितना बड़ा होगा? तो ये लगभग इतना बड़ा होगा, यहाँ से इतना, है ना, इतने में ये एक इंसान बन जाएगा। इतना बड़ा बनाएंगे हम लोग, या फिर इससे थोड़ा बड़ा, तो ये इंसान का हाइट लगेगा देखने में। अगर यहाँ पर एक इंसान बनाना हो हम लोगों को, तो यहाँ पर कितना बड़ा बनेगा? ये इतना बड़ा बनेगा। यहाँ पर अगर बनाना हो तो हम लोगों को इतना सा बनाना पड़ेगा। यानी कि ये जो अगर 20 फीट है यहाँ पर इसका हाइट, तो इसका एक चौथाई बनाना पड़ेगा, है ना, तब वो एक इंसान का हाइट लगेगा। और एक चीज़ देखिए, मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हम लोगों की नज़रें यहाँ तक जाके ख़त्म होती हैं, या फिर इस लाइन पर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर जाके ख़त्म होती है। ये ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों की नज़रें ख़त्म होती है। तो यहाँ से जो ये गैप आया, तो यहाँ पर ये एक तरफ से मान लीजिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन से अगर आप ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आपका लाइन यहाँ पर ऐसे बनता है, आपका दृष्टिकोण ऐसे बनता है, तो अगर यहाँ पर एक ट्री हम लोगों को 20 फीट का बनाना है, तो हमको कितना बड़ा बनाना पड़ेगा? वो इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा वो 20 फीट का ट्री, इतना बड़ा। आपको शायद दिख नहीं रहा है, देखिए ये जो हम लोगों ने यहाँ पर लाइन एक खींचा था, देखिए यहाँ पर हम लोगों का दृष्टि खत्म होता है, यहाँ पर दिखना बंद हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट में जाके अटक जाता है, उससे ज़्यादा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर बड़ी नहीं नज़र आ रही है, यहाँ पर जाके ख़त्म होता है, तो वो एक पॉइंट पे जाके ख़त्म होता है ना, कहीं पर भी आप बहुत दूर देखते हैं तो एक पॉइंट पे जाके ख़त्म होता है। यहाँ पर अगर ख़त्म होता है, यहाँ पर बनाना है हमको, ठीक है, आप ऐसा भी देख सकते हैं, यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ से इसको देख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, तो ये भी वैसा ही बनेगा, देखिए ऐसा ही बनेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ से अगर देखते हैं ऐसे, तो ये चीज़ें यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, यानी कि अगर इस लाइन पे यहाँ पर एक सीधी लाइन हो, यानी कि यहाँ पर भी एक 20 फीट का पेड़ बनाना हो, ठीक है, यहाँ पर भी एक 20 फीट का पेड़ बनाना हो, तो हमें इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग एक पेड़ का साइज निकाल सकते हैं, तो हम लोग एक इंसान का भी हाइट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इतना बड़ा है, तो ठीक है, यहाँ पर अगर एक इंसान बनाना हो हमें, एक आदमी, तो हमें कितना बड़ा बनाना पड़ेगा? तो हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर, मान लीजिए ये 10 फीट हो गया, यहाँ पर ये हो गया कितना, यहाँ पर हो गया ये 5 फीट, यहाँ पर मान लीजिए 6 फीट, तो यहाँ पर ये इतना बड़ा हम लोगों को ये इंसान बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा अगर इंसान हम लोग बनाते हैं तो वह सटीक बैठता है इस हिसाब से। तो कहाँ पर कितना बड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसे हम लोग थोड़ा, ये जो हम लोगों का देखने का जो दृष्टिकोण है, ये हम लोग थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं, इसीलिए यह इतना समान नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर इस जगह एक ठो बनाना है आदमी, हमको एक इंसान बनाना है, तो हम लोगों को इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, इसका जितना हाइट है उतना, ठीक है। यहाँ पर अगर हमको बनाना है, यहाँ पर अगर बनाना है, तो इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसे हम लोग एक लाइन पे दे, तो देखिए ये जो लाइन है, यहाँ पर जो लाइन बनेगा वो भी एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक, अगर हमें जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये यहाँ पर एक तो साइन बोर्ड, अगर हमको मान लीजिए एक होर्डिंग है, ठीक है, ये रास्ता है, ये ऐसे जाके ख़त्म होता है, यहाँ पर एक होर्डिंग बनाना है हमें यहाँ पर एक होर्डिंग बनाना है मान लीजिए, तो ये होर्डिंग कितना हाइट का बनता है? 15-20 फीट का हाइट बनता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हम लोगों ने लिया, यहाँ पर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसे हम लोग देखेंगे यहाँ ऐसे, ठीक है, देखिए
यहाँ पर क्योंकि नज़र ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो ऐसे हम लोग देखेंगे इसे, इसे ड्राइंग नहीं करेंगे, इसे सिर्फ देखेंगे। तो क्या होगा, हम लोगों का जो ये लाइन है ऊपर का, ये हमको नज़र आएगा और उसके बाद हमें ऐसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये ख़त्म, इससे थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा हमको, ये बोर्ड इतना बड़ा दिखाना हो तो हमको देखना पड़ेगा यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये कैसा दिखता है, ऐसे, ठीक है। देखिए आप इसे, ये जो होल्डिंग है वो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये अब लग रहा है कि ये 3D स्पेस में है। इसे हम लोग, ये जो गाइडलाइन है इसे हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, इसे भी मिटा देते हैं। ये लग रहा है अभी कि ये 3D स्पेस में, ये कितना बड़ा है वो सटीक से बैठ रहा है आपका। तो आपको समझ में आ गया कि पर्सपेक्टिव्स कैसे काम करता है। कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अगर पेड़ बनाना हो और बड़ा सा एक पेड़ बनाना हो, तो ये मान लीजिए अगर ये जितना दिख रहा है इससे अगर बड़ा बनाना है तो आपको यहाँ से जाया, यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है कि आप कहाँ पर वो पेड़ लगाना चाहते हैं। ये अगर आपको दिख जाए तो आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अगर पेड़ हमको चाहिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा बनेगा, उससे बड़ा तो बन ही नहीं सकता है ना। ये आ गया, उसके बाद आ गया, इतना ही बड़ा बनेगा। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि पर्सपेक्टिव्स कैसे काम करता है। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।